टाइम 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 एंड टाइम डायलेशन। एक्चुअली में क्या है टाइम? टाइम इज द कंटिन्यूड सिक्वेंस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इवेंट दैट अकर्स, एंड टाइम डायलेशन इज द डिफरेंस इन द इलेप्स्ड टाइम एज मेजर्ड बाय 2 क्लॉक। नहीं समझे? शायद ये थोड़ा टफ है, चलिए इसको ईजी बनाते हैं। समझिए कि 2 घड़ी हैं और दोनों में स्पीड अलग अलग है, तो इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस ही टाइम डायलेशन होता है। आज इस वीडियो में हम टाइम डायलेशन क्या है और इसके शास्त्र में एग्जिस्टेंस को बहुत आसानी से समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना और शास्त्र में जो टाइम डायलेशन के बारे में बताया है उसको ठीक से समझना। इस वीडियो को हमने 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। चैप्टर 1, व्हाट इज टाइम डायलेशन। देखिए, टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये इंटरस्टेलर मूवी में बताया है, जहाँ मिलर प्लेनेट पर 1 आवर पृथ्वी के 7 साल के बराबर था। ऐसा टाइम का डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि टाइम ग्रेविटेशनल फील्ड और स्पीड पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग होगी उतना टाइम स्लो चलेगा। और स्पीड के कॉन्सेप्ट को देखें तो फिजिक्स के अनुसार स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मतलब स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। चैप्टर 2, व्हाट डिड द साइंटिस्ट से। साइंटिस्ट की बात करें तो टाइम डायलेशन की सबसे पहले थियोरी आइंस्टाइन ने दी थी, जिसको हम थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। उस थ्योरी में आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम ऑब्जर्वर के रिलेटिव मूव करता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत तेज चलता है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। टाइम डायलेशन का एक एग्जांपल रियल वर्ल्ड में भी है, जिसमें 2 जुड़वा भाई मार्क और स्कॉट कैली में से स्कॉट कैली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन के लिए 1 साल तक स्पेस में रहे थे, और जब वो वापस पृथ्वी पर आए थे तो दोनों भाइयों की एज में 1 माइनस डिफरेंस देखने को मिला था। चैप्टर 3, टाइम डायलेशन इन शास्त्र। शास्त्र में लाइट की स्पीड और टाइम डायलेशन को लेकर हजारों साल पहले ही बात हो चुकी है। लाइट की स्पीड की बात करें तो ऋग्वेद के इस श्लोक में ऐसा लिखा है कि लाइट 2202 योजन आधे निमिष में ट्रेवल कर लेती है। अब निमिष टाइम की यूनिट होती है, जिसमें 1 निमिष 16/75 सेकंड होता है। और अगर इस पूरे श्लोक को मैथमेटिकली सॉल्व करें तो लाइट की स्पीड निकल कर आती है, जो कि 3×10⁻⁸ मीटर पर सेकंड है। और इतनी ही लाइट की स्पीड को आज के टाइम में ओल्ड रोमर साइंटिस्ट ने 17th सेंचुरी में कैलकुलेट किया था। और ऐसा ही टाइम डायलेशन को लेकर भागवतम के 9वें स्कंद के 3रे अध्याय में श्लोक 29-32 तक ककोदमी राजा के बारे में बताया है। इन श्लोकों में ऐसा लिखा है कि ककोदमी राजा अपनी बेटी रेवती की शादी के लिए एक लड़का ढूंढ रहे थे, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से बात करने चले जाते हैं। जहाँ ब्रह्मा जी संगीत सुन रहे थे, इसलिए वो लोग थोड़ी देर इंतजार करते हैं। और थोड़ी देर बाद जब ब्रह्मा जी को बताते हैं कि उन्हें उनकी बेटी की शादी के लिए एक लड़का चाहिए, तब ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि जितनी देर तुमने इंतजार किया उतने समय में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग यानी 108 युग बीत चुके थे, मतलब उतनी देर में पृथ्वी पर 28 करोड़ से ऊपर साल बीत चुके थे। यही तो है टाइम डायलेशन। ऐसे और भी कई कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पता नहीं है, लेकिन वो हमारे वेद और शास्त्र में मेंशन है, और शायद फ्यूचर में जितने भी डेवलपमेंट्स हो उन सब का सोर्स वेद और शास्त्र ही होंगे। हम लोग शास्त्र और साइंस से रिलेटेड डिफरेंट अननोन कॉन्सेप्ट पर वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वी मेड यू थिंक। जय हिंद, जय भारत।